आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित देवी पाटन मंदिर में आयोजित महेंद्रनाथ के श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ इस श्रद्धांजलि सभा में देश विदेश से तमाम संतों का आगमन भी हुआ। संतों ने ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी की 22वीं पुण्यतिथि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी। अयोध्या से आए हनुमानगढ़ी के महंत राजदास ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के महरौली के रहने वाली श्रद्धा के मर्डर केस समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के महंत राजूदास ने श्रद्धा मर्डर केस पर विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर राजूदास बोलेगा तो उसे विपक्ष वाले कहेंगे कि राजूदास देश में आग लगवा रहा है, दंगा करवा रहा है। लेकिन जिस तरह से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन सारे सपा बसपा कांग्रेस सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। क्या सनातन धर्म का भी कोई ऐसा कर सकता था? ये सिर्फ उन्हीं लव जिहादियों की बस की बात है जो कह रहे हैं कि राजूदास देश में आग लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के धर्मांतरण वाले पर टिप्पणी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाया जाए। मैनपुरी में कलेक्ट्रेट नामांकन करके वापस आए बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्या मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अरुण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, रघुराज सिंह शाक्या नामांकन कर चुके हैं, और जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव की ढेरों तारीफ कर रहे हैं, राजनीतिक गुरु बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आज कलेक्ट्रेट अपने नामांकन करने के बाद पापा साहब बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह साथ ने मीडिया को बताया कि मैं नेताजी के पुत्र के श्रद्धांजलि देकर आई हूँ। मेरे गुरु है, राजनीतिक गुरु है मुलायम सिंह यादव, और मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ और प्रस्ताव में ही रहा हूँ। लेकिन बीजेपी ने हम पे विश्वास जताया, विश्वास जताने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जो मुझ पर मैदान में उतारा है हमको लोकसभा के उपचुनाव में। जी बिल्कुल अरुण, लेकिन जहाँ एक तरफ बहु मैदान में है तो टक्कर में शिष्य है, क्या लग रहा है जो जनता है क्या सोच कर बैठी है? शिष्य पर ज्यादा प्यार लुटाया जाएगा या फिर बहू को कमान सौंपी जाएगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये है, जो समाजवादी पार्टी रही है मंत्री में वो कहीं ना कहीं गढ़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी गढ़ के बाद जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तब से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी डिंपल यादव को बनाया है। वही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को उतारा है मैदान में, लेकिन बीजेपी ने कभी भी इस विधानसभा सीट से फतेह हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी अब नेताजी के जाने के बाद बहु अपने पिताजी की विरासत पर संभाल पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, यानी कि कांटे की टक्कर दोनों के बीच देखी जा सकती है। अरुण जी देखिए, सबसे पहली बात बताए, बीजेपी ने काफी मंथन के बाद जैसे डिंपल यादव ने नामांकन किया है उसके दूसरे ही दिन प्रत्याशी घोषित किया रघुराज सिंह ठाकुर। सबसे पहले अगर मैनपुरी जनपद की बात की, मैनपुरी जनपद में सबसे ज्यादा वोटर यादव है और दूसरे नंबर पे सात वोटर आते हैं, कहीं ना कहीं तो सात वोटर इससे भी पहले प्रेम सिंह ठाकुर प्रत्याशी रहे हैं। अरुण, किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से दोनों ही कैंडिडेट हैं, चाहे वो सपा से हो चाहे वो बीजेपी से हो, वो कहीं ना कहीं एक तो परिवार से है लेकिन दूसरे भी ऐसे हैं जो मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु बता रहे हैं, तो पलड़ा किसका ज्यादा भारी हो सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अब पलड़ा की बात रही है, आगे देख रहा हूँ नेताजी के निधन के बाद अगर जो फर्क पड़ता है मैनपुरी में तो बीजेपी का पल्ला भारी है, जो फर्क नहीं पड़ता है रघुराज सिंह शाक्या ने नामांकन किया है, बीजेपी उम्मीदवार है मैनपुरी सीट से, क्योंकि यहाँ उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जहाँ एक तरफ रघुराज सिंह कह रहे हैं कि वो मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानते थे, एक शिष्या के तौर पर वो उनसे लगातार राजनीति के जो गुण है वो सीखते थे, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू मैदान में है। अब कांटे की टक्कर है, लेकिन आशीर्वाद जनता को किसको मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा।
मुरादाबाद पुलिस को काफी समय से अवैध कॉल सेंटर चलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर मुरादाबाद पुलिस, जिसमें सदर कोतवाली पुलिस और सिविल लाइन पुलिस ने एक साथ मिलकर ताड़ी खाने के चौराहे पर बने चड्ढा कॉम्प्लेक्स पर छापेमारी की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चड्ढा कॉम्प्लेक्स में कई लड़के और कई लड़कियां मिली। पुलिस ने युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। दरअसल मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन और सदर कोतवाली पुलिस ने मिलकर दो कॉल सेंटर्स पर छापेमारी की। वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित ताड़ीखाना स्थित के पास बनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चल रहे कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई। छापेमारी को लेकर काफी भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंची। वहीं कोतवाली इलाके के चड्ढा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर चल रहे कॉल सेंटर की जांच भी लगातार पुलिस कर रही है। दरअसल अमेठी तहसील में तैनात एसडीएम प्रीति तिवारी द्वारा तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल कुछ दिन पहले दिखाया गया था, जिसको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने दिखाया था। मामले को लेकर एसडीएम ने सफाई दी थी। एसडीएम ने कहा था कि वो स्टूडेंट थे जिनको बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। वहीं एसडीएम के बयान के विपरीत पीड़ित ने कहा कि काफी गिड़गिड़ाने के बावजूद भी एसडीएम ने पीड़ित की बात नहीं सुनी। पीड़ित ने बताया कि चोट होने के बावजूद भी उसे सजा दी गई। वहीं एसडीएम के तुगलकी फरमान मामले में पीड़ित के बयान ने एसडीएम की पोल खोलकर रख दी है। आगरा में सैलानियों को एसआई का तोहफा मिला है। विश्व धरोहर सप्ताह के चलते सभी ऐतिहासिक इमारतों को निःशुल्क कर दिया गया। आपको बता दें कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक देश भर में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। 19 नवंबर को तार सहित ऐतिहासिक इमारतों का सैलानी निःशुल्क दीदार कर सकेंगे, जिसकी जानकारी पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल ने दी है। बिल्कुल, ये सही जानकारी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी 19 से 25 नवंबर के बीच ASI सभी मोनूमेंट पे, जो वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट हैं खास करके, उनमें हम विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी 19 तारीख को एक दिन के लिए सभी स्मारक जहाँ पे प्रवेश शुल्क लगता है वो ASI भारत सरकार की तरफ से फ्री किए गए हैं। आगरा में हमारे पास ऐसे 8 लोकेशन हैं जहाँ पे टिकट लगता है, वो सभी फ्री रहेंगे, जिनमें ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी भी शामिल हैं। ताजमहल पे एक बदलाव रहेगा, ताजमहल पे सिर्फ बाहर की टिकट फ्री रहेगी, क्योंकि प्रवेश टिकट वही है। अंदर का जो 200 रुपए का टिकट है मेन मुसोलियम का, वो प्रवेश टिकट नहीं है। वहीं श्रावस्ती में बाइक से घर जाते समय दो लोगों के साथ मारपीट कुछ बाइक सवार लोगों ने की है। पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, हम हाईवे से मार्केट आए थे, मार्केट से घर वापस जा रहे थे, हाईवे से निकले, इसके बाद में उन लोगों ने हमें रोक लिया। कौन? और बड़े लाल, निपोलाल और बलम और कितने लोग थे? 4 लोग। कहाँ पे रोके? रानीपुरा हाईवे से 20 कदम उत्तर। आप किससे थे? मोटरसाइकिल से। ये दोनों लोग एक ही गाड़ी पे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मोटरसाइकिल रोक लिया और रोकने के बाद में तत्काल लाठी डंडा चालू कर दिया। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कई राउंड गोलियां चली हैं। दिनदहाड़े NH2 पर हुई इस मुठभेड़ से हर कोई सख्ते में है, साथ ही इसको लेकर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि दोनों बाइक सवार बदमाशों को गोली लगी है, वहीं उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भेजा गया है। फिरोजाबाद की तस्वीरें जहां पर मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच नजर आई, दो बाइक सवार बदमाश और पुलिस मौके पर मौजूद रही, दोनों तरफ से गोलियां चलती रही हैं। दो बदमाश घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमीरपुर में यातायात महीने के चलते आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिसकर्मी लगातार मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई तिराहे हमीरपुर पर पिंक बूथ का उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट द्वारा किया गया। साथ ही एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति, यातायात और सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा संबंधित जागरूक भी किया गया है।
तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिसकर्मियों ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली है। अभी तक आपने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक एक या दो शादी सुनी होंगी, लेकिन यूपी के जालौन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ का रहने वाले एक शख्स पेशे से डॉक्टर है, लेकिन अपनी हरकतों को लेकर उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। जालौन के रेंडर थाने के रहने वाले राजवीर ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन शादियां की है। इसके अलावा चौथी महिला से भी अवैध संबंध है, ऐसा आरोप मध्य प्रदेश के रहने वाली उनकी तीसरी पत्नी ने लगाया। डॉक्टर की पत्नियों की कहानी इतनी उलझी गई कि इसकी गुत्थी सुलझा पाना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बन गया है। फिलहाल डॉक्टर की तैनाती कानपुर देहात के पुखराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। बता दें कि पूरा मामला जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र का, मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती सपना का विवाह 5 फरवरी 2022 को हिंदू रीति रिवाज के साथ जालौन के रहने वाले डॉक्टर रामभूषण के साथ हुआ था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसने सपना के साथ मारपीट शुरू कर दी थी और अब उसने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की एक नहीं, दो नहीं, तीन पत्नियां हैं बल्कि चौथी के साथ अवैध संबंध भी हैं। मेरी इधर जालौन में डॉक्टर के साथ शादी हुई थी। वो डॉक्टर क्या है, फ्रॉड है। उसने पहले से 4 शादी कर रखी हैं और उसके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं। अभी 76 का भी केस है। ये सब मुझे, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था तो उसने अपने मुंह से सारी बातें मुझे बताई थी और उसके बाद वो मेरी मारपीट की थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी, जिसमें मेरा हाथ भी टूट गया था और उसने चक्कू भी लगा दिया था इधर। उसके बाद मैं यहाँ से चली गई, फिर मैंने कंप्लेन की आके, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। ये जो प्रकरण है, जो महिला की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने पति के खिलाफ, जो डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया था, जिसकी विवेचना महिला थाना जालौन से हुई थी। विवेचना में साक्ष्य पाए जाने के बाद इसमें आरोप पत्र लग चुका है। आरोप पत्र इस समय माननीय न्यायालय में है, प्रकरण वहाँ विचाराधीन है। जो दूसरा प्रकरण आप कह रहे हैं कि जो ये पत्नी है, इन्होंने शिकायत करी है कि इनकी जो मुंह बोली बहन है, उनके साथ उनके पति के ससुर ने बदतमीजी की है और काफ़ी और आरोप भी हैं उसमें, तो उस प्रकरण की जांच कराई जा रही है। अगर आरोप सत्य पाए जाएंगे, अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ सर 2-3 बार आ चुके हैं, यहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए ये सपना है डॉक्टर की पत्नी है, जो हमारी रिश्ते में भानेज लगती है, इसी ने हमें बुलवाया था। तो हम 24 तारीख को ठीक दीपावली को आए थे, तो उस जुगराजपुरा, उसने मेरे साथ गलत किया है, उसी कारण हम यहाँ फिर रहे हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नीलू ने, कौन है ये? ये डॉक्टर का पिता है। तो आपने पहले क्या पुलिस से शिकायत नहीं की इसकी? 24 तारीख से बराबर कर रहे हैं, प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद जैद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इतना बड़ा आरोप तमाम महिलाएं लगा रही हैं, वो भी एक डॉक्टर पर। जी मैं बता दूं, ये पूरा मामला जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र का है, जहां पर डॉक्टर की पत्नी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर का कई और अवैध लड़कियों के साथ अवैध संबंध है और वो उनके साथ कई महीनों से, शादी के 8 महीनों के बाद से ही उनके ऊपर घरेलू हिंसा करने की कोशिश करता है, आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता था। वहीं मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, जिसको उसने मतलब क्षेत्र में उनका बड़ा अच्छा नाम है, पर इस घटना के बाद से इनका नाम बहुत ज्यादा खराब हुआ है और लोगों में। जैद, इस पूरे मामले पर पुलिस क्या छानबीन कर रही है, क्योंकि जो पीड़िता है उनका ये कहना है कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। ये बता दो, ये पुलिस ने इस पर, इस मामले में ये कहा हुआ है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और जो अब इन्होंने आरोप लगाए हैं वो उसकी पुष्टि करेंगे और जो अगर इसमें ये आरोपी पाए जाते हैं तो उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए जैद। तो जालौन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर पर 4 शादियां करने का आरोप लग रहा है और अब बताया जा रहा है कि ऐसी कई युवतियां हैं जिसको लगातार ये डॉक्टर शिकार बना रहा था। अब फिलहाल कुछ पीड़िता ऐसी हैं जो लगातार थाने के चक्कर लगा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
बांदा में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। वहीं जिम्मेदार भी सिर्फ अपनी अपनी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा के तिंदवारी कस्बे से है, जहां पर जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने तिंदवारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। बता दें कि मंत्री निरीक्षण के दौरान काफी सारी कमियों को लेकर यहां नाराज नजर आए और जिम्मेदार को फटकार भी लगाई। बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने अचानक ही पहुंच गए और वहां पर जाकर देखा तो स्वास्थ्य केंद्र में काफी गंदगी कूड़ा करकट देखने को मिला और तो और डेंगू वार्ड में भी ताला लगा मिला, जिसको देखते ही मंत्री ने प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर लवलेश को कड़ी फटकार लगाई और कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। डेंगू जैसे संचारी रोग के रोकथाम के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी स्वास्थ्य विभाग की और अपने सरकार की, उनको नगरों में जहां जल दवा वगैरह के छिड़काव की गोरखपुर पुलिस ने दो ऐसे कबूतरबाजों को गिरफ्तार किया जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम लेते थे, फिर उन्हें कूटरचित दस्तावेज दिखाकर उनसे धोखाधड़ी कर लेते थे। गुड़िया पुलिस से कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि विदेश भेजने के नाम पर कुछ लोगों के साथ ठगी की जा रही है और दस्तावेज तैयार कर लोगों को दिए जा रहे हैं। इसी तरह वो लोगों को अपना शिकार बनाते थे। उसका एक साथी अपने प्रिंटिंग प्रेस में कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कल थाना गुलरिया की टीम ने दो फ्रॉड करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोगों से मोटी रकम लेकर के और फर्जी अभिलेख कूटरचित अभिलेख तैयार करते थे और उनके बेस पे विदेश भेजने की तैयारी करते थे। इसके पहले भी ये दो बार जेल जा चुके हैं और इस बार इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, कूटरचित और प्रिंटर ये सब बरामद हुआ है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सहयोगी धनेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कितने दिनों से ये ठगी का काम लगातार चल रहा था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लोग बहुत दिनों से, लगभग कई सालों से ये काम करते थे। जो ज्यादातर ग्रामीणों को मिलते थे, उन्हें बाहर नौकरी देने के नाम से जो है भेजने के नाम दिलाने के नाम से उनसे अच्छे पैसे वसूलते थे, उनको नौकरी जाने का वादा करते थे और उनसे पैसे जो है अच्छी काफी मोटी रकम दिया करते थे और लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। क्या इस पूरे ग्रोह में सिर्फ दो ही ठग हैं या और भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं कहीं? जी अभी इसमें एक बड़ा जो है गिरोह है, जिसमें अभी दो लोग को गिरफ्तार किया गया है। गुलरिया पुलिस की बड़ी कामयाबी है और अभी और लोगों को उनको खोज में लगी, 7 दिनों की लगी हुई है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, काफी दिनों से पुलिस इनको लगी हुई थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए और बहुत ही मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को इन्होंने अब तक अभी ठगी का शिकार किया है। जो गरीब लोग हैं जो उनको बाहर भेजने के नाम से अच्छी खासी रकम वसूलते थे, इन लोगों से वसूल किया और फर्जी दस्तावेजों का लगाते थे, अपनी फर्जी दस्तावेज लगाते थे और साइड भी करते थे और ज्यादातर ग्रामीणों को शिकार बनाते थे कि वो लोग भोले भाले ग्रामीण जो होते थे इनके गिरफ्त में आ जाते थे, उनको पैसा भी देते थे और उनको पैसा लेकर के ये काफी चक्कर हो जाते थे। ठीक है धनेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। श्रद्धा हत्याकांड में हैवानियत की हदें पार करने वाले आरोपी आफताब को फांसी की सजा और ऐसे मामलों पर सकारात्मक कानून बनाने की मांग को लेकर हरदोई में आवाज बुलंद की गई और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को दिया गया है। सहारनपुर में 3 युवकों का हाथ में तमंचा लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल करने वालों ने पुलिस से सोशल मीडिया के द्वारा 3 युवकों की जांच कर कार्रवाई की गुहार भी लगाई है।
मझौला थाना क्षेत्र के लाइन पार प्रकाश नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक तेज रफ्तार बाइकों ने फलों का ठेला लगाने वाले युवक को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि फल विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस बाइक से हादसा हुआ उसके चालक को कपड़ों की दुकान मालिक ने भगा दिया। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने शव रखकर चौराहे को जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान घंटों तक प्रकाश नगर चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रही। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अनिल कुमार मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर? जो आरोपी है, जो बाइक सवार बताया जा रहा है, उस पर किस तरह का एक्शन लिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मझौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, प्रकाश नगर लाइन पार का। एक जो है वो फल का ठेला लगा था, एक बाइक सवार ने तेजी से उसमें टक्कर मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया मौके पर। जाम लगने की जैसे ही जानकारी प्रशासनिक अधिकारी को लगी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी समझाने बुझाने के बाद जो जाम को खुलवाया गया। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मुरादाबाद का एक पूरा मामला जहां पर तेज रफ्तार बाइक ने ठेला चालक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजन जो हैं वो मौके पर पहुंचे, हंगामा करने लगे और रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, जैसे तैसे लोगों को समझाया है। साथ ही साथ जो आरोप लग रहा है वो जो कपड़ों की दुकान के मालिक है उस पर लग रहा है कि उसने जो चालक था उसको वहां से भगा दिया। बांदा में खेत में सो रहे युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बेटे को बचा रहे पिता को भी हत्यारे ने चाकू मार दिया और घायल कर दिया। घटना के बारे में कहा जा रहा है कि खेत में ही साथ में सो रहे मजदूर ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच में थाना बबेरू अंतर्गत ग्राम निभोर में हार में 3 व्यक्ति सोए हुए थे, जिसमें एक पिता पुत्र थे और तीसरा व्यक्ति उनका काम देखने वाला था। रात में उसने राजू नाम के व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी। जब उसने चाकू मारी, इस बात पे पिता भी जग गया। पिता ने विरोध किया तो पिता को भी उसने चाकू मार दी, लेकिन पिता घायल है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें प्रेम प्रसंग का मामला पाया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही अभियुक्त मिलता है स्थिति स्पष्ट होगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job.